अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमने लेक्चर स्टार्ट करना है और काम करना है कि HTML के अंदर पहले स्टार्ट करेंगे कि एक प्रॉपर ब्यूटीफुल खूबसूरत सी और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं HTML के अंदर। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ओपन करना है अपने सबलाइन को। तो आपके पास सबलाइन टेक्स्ट 3 होना चाहिए। आप गूगल से इसे ईजिली अवेल कर सकते हैं, ईजिली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये कॉस्टली नहीं है, ना महंगा है, ना ये परचेज करना पड़ता है, ये फ्री में है। तो ये ओपन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है फोल्डर वगैरह, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। इसको आके कंट्रोल एस से सेव करते हैं। और सेव आपने कहाँ पे करना है, जहाँ पे आपका जहाँ पे आपके पास वो वाला फोल्डर पड़ा हो जिसके अंदर आप लोग काम कर रहे हैं। लो जी, ये मेरा फोल्डर पड़ा। यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ बीजी कलर .html। लेकिन ये जो भी काम करना है आपने HTML के अंदर काम करना है। अब मैं यहाँ पे HTML के अंदर काम करने के लिए इसको कर लेता हूँ यहाँ पे ओपन। अब मैंने यहाँ पे टैग यूज करना है और टैग यूज करते हैं HTML। अब मैंने देखिए HTML इसको टैग यूज किया और इसको इंटर कर दिया। अब ये देखिए डॉक टाइप HTML। HTML में सबसे पहले आता है हेड, हेड के बाद आता है उसका मेटा, और ये मेटा टैग वगैरह क्यों यूज़ किए जाते हैं ये आगे जाके यूज़ करना सिखाऊंगा आपको CSS के अंदर, क्योंकि ये हमने CSS के लिए यूज़ करना है। HTML में इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इसके लिए इतनी ज़रूरत है कि ये वाले जो हमने यूज़ किया, अगर ये मेटा टैग ना भी हो तो HTML अपना प्रॉपर वर्क करता है। ठीक है, ये जैसे एक जिसम होता है वैसे ये है कि HTML है, उसके ऊपर हेड है, हेड के नीचे टेल ये आ जाती है, टाइटल आ जाता है, टाइटल के नीचे इसकी बॉडी आ जाती है और काम खत्म हो जाता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी वेलकम। ठीक है जी, यहाँ पे हमने वेलकम लिख लिया और अब हमने को सेव भी कर लिया था। और यहाँ पे आते हैं वापस, ये देखिए बीजी कलर हमारे पास .html के में मौजूद है, इसके मैं ओपन करता हूँ। अब ओपन करने से हमारे पास आया क्या है, सिर्फ ये वेलकम आया है। और वेलकम कौन सा आया, जो हमने टाइटल के अंदर दिया है, जैसे वेलकम। ठीक है, वेलकम के बाद हम यहाँ पे कोई भी चीज लिख लेते हैं, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, चलेंगे वेलकम टू माय चैनल। अब यहाँ पे अभी तक वेलकम था, रिफ्रेश किया, वेलकम टू माय चैनल आ गया। ले जी, ये तो एक चीज होगी। अब के टाइटल होता क्या है, टाइटल क्यों यूज किया जाता है। इसके बाद आ जाती है जी बॉडी। अब बॉडी चीज क्या है, बॉडी किस लिए यूज की जाती है। बॉडी सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अब यहाँ पे जैसे आते हैं ना, अब ये देखें ये बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हमने कुछ बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं, तो बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा सिंपल बैकग्राउंड नहीं करेंगे। अब ये देखें बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड में मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि पर्पल हो जाए। ठीक है, अब मैंने बैकग्राउंड को बोला है जी पर्पल हो जा, यहाँ पे आए कुछ भी नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा बैकग्राउंड को। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि हमने बैकग्राउंड नहीं करना था, बैकग्राउंड कलर करना था। तो अच्छा बैकग्राउंड कलर करते हैं, सिंपल मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर पर्पल हो जाए, लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पर्पल नहीं हुआ। इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि इसके शॉर्ट फॉर्म, कुछ चीज़ों की शॉर्ट फॉर्म होती है, और वो क्या होता है, वो ये होता है कि इसका ग्राउंड ख़त्म कर दिया जाए, इसका बैक ख़त्म कर दिया जाए। अब बचा हमारे पास सिंपल सिंपल बी जी बैक कलर पर्पल। बी जी कलर का मतलब ही यही होता है कि बैकग्राउंड कलर पर्पल हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए लेक्चर आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं, अभी यहाँ पे आके हम करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश किया, बैकग्राउंड कलर पर्पल हो गया, जबकि पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा था कि बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर लिखने से वो बैकग्राउंड कलर नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हम HTML सीख रहे हैं, हर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं, हर किसी की अपनी लैंग्वेज होती है, यहाँ पे हमने HTML लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बीजी कलर बोला। तो ये बीजी कलर हो चुका है जी पर्पल। अब यहाँ पे आता है मैं पर्पल की बजाय यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ कि कलर हो जाए जी पिंक कलर हो जाए। अब देखें हमने पिंक कलर बोल दिया, पहले पर्पल कलर बोला था, देखते हैं पिंक कलर होता है, बाद में आता है हमारी वो जी हॉट पिंक कलर। ठीक है जी, हॉट पिंक कलर मैं कहता हूँ हॉट पिंक हो जाए, पहले सिंपल पिंक, हॉट पिंक हो गया, लाइट पिंक
करते हैं, देखते हैं लाइट पिंक होता है कि नहीं होता। लाइट पिंक भी हो चुका है, लेकिन हमें हॉट पिंक ज्यादा अट्रैक्टिव लगा है। अब ये मेरे पास हो चुका है जी हॉट पिंक कलर। अब ये तो हमने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया इसका। अब बैकग्राउंड चेंज करने के बाद मैं आता हूँ इस बॉडी के अंदर। सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ कोई भी चीज, वेलकम टू लर्न हाउ टू क्रिएट रेस्पॉन्सिव। अब मैंने ये लिखा है इसके अंदर हेड के अंदर, यहाँ के रिफ्रेश किया तो ये हेड के अंदर इस तरह का लिखा आ चुका है। अब मैंने सिंपल इसी हेड के अंदर जो लिखा है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है, और बॉडी के अंदर आके हमने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो ये इधर आ गया, कोई भी चेंजिंग नहीं आई, जबकि कुछ ना कुछ चेंजिंग आनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे मैं एंटर करके पेस्ट करता हूँ ये तीन चार बार। अब मैंने तीन चार बार पेस्ट किया, होना तो ये चाहिए जैसे मैं एंटर किया ये नीचे की तरफ आए, लेकिन ये इसके आगे ही पैराग्राफ की शक्ल में ये कंटिन्यू होती जा रही है, बल्कि जो भी चीज़ है इस तरह। मगर हम इसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसके कलर चेंज नहीं कर सकते। मैं इसको अगर चाहूँ तो कोई भी चेंज का चेंज नहीं कर सकते हम, कलर वगैरह हर चीज़। लेकिन अगर मैं इसमें कोई टैग यूज़ करूँ, यहाँ पे आके मैं इंटर करता हूँ, और इंटर करने के बाद यहाँ पे मैं टैग यूज़ करने जा रहा हूँ फॉन्ट का। अब मैंने फॉन्ट का टैग यूज़ किया, इसमें भी मैंने ये चीज़ लिख दी, ठीक है, यहाँ भी लिखी है फॉन्ट में भी लिखी है। तो यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, लो जी फॉन्ट के अंदर लिखने से भी क्या हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिंपल वही चीज़ हमारे पास आ गई है जो हमने पहले लिखी थी। तो फॉन्ट टैग यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, जब ये भी चीज़ हमने बगैर टैग के सारा कुछ यूज़ किया तो भी वही चीज़ आ गई, फॉन्ट का टैग यूज़ किया तो भी वही चीज़ आ गई। तो स्टूडेंट इसमें मेजर चीज़ ये है कि फॉन्ट के अंदर हम तब्दीली ला सकते हैं। मसलन मैंने बोल दिया कलर, अब हम कलर यूज करते हैं, ठीक है, कलर मैं यूज करता हूँ ब्लू। मैं कहता हूँ कि कलर ब्लू हो जाए। अब ये वाला जो बैग है ये जो ये ब्लैक कलर है, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आ गया ब्लू कलर, ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं चाहता इसका कलर ग्रीन हो जाए तो क्या ये ग्रीन हो जाएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको सेव किया, ये ग्रीन कलर हो चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आके मैं यूज करता हूँ कलर, ठीक है, अब कलर मैं इसको क्या कहता हूँ, कलर इसको कहता हूँ रेड हो जाए, ठीक है। अब क्या इसके कलर रेड होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, बल्कि ये जो कलर जो हमने टैग यूज़ किया वो वैसे क्या वैसे ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो टैग यहाँ पे यूज़ किया वो वैसे का वैसे नहीं आया। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कहता हूँ कि रेड कलर हो जाए, सॉरी हाँ मैं इसको आगे कहता हूँ कि रेड कलर हो जाए। अब क्या होगा जी, ये रेड कलर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ये देखें। और मैं यहाँ पे आके कहता हूँ बैकग्राउंड कलर है जो वो बिल्कुल ब्लैक हो जाए, ठीक है। अब मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया, लो जी बैकग्राउंड ब्लैक हो गया और ये रेड हो गया। हत्ता क्या ये चीज़ें भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये नज़र नहीं आ रही। यहाँ से ये देखें ना स्टूडेंट, ये चीज़ हमारे पास मौजूद है, ये नज़र नहीं आ रही। तो ये नज़र किस वजह से नहीं आ रही स्टूडेंट, ये नज़र इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि ये बैकग्राउंड कलर भी हमने ब्लैक कर दिया, और ये जो वर्डिंग्स जो पैराग्राफ थे वो सिंपल इसका जो नेचुरल कलर होता है वेबसाइट के अंदर वो ब्लैक था, वो ब्लैक रह गया, इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा। जबकि ये मैंने कलर इसको बोला कि रेड हो जाए तो ये रेड हो गया, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम येलो कलर कर लेते हैं, तो क्या होगा कि येलो कलर में हमें नज़र आना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ये वाले फॉन्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक पकड़ें और पकड़ के इसको करें कॉपी पेस्ट कर दें तीन चार बार, और यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आके कलर कर दें ब्लू पिंक
ऑरेंज, यहाँ पे पर्पल और यहाँ पे ग्रीन येलो। अब ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही कलर यूज हो रहा था, अब नजर आ रहा था। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे जितना पैराग्राफ होगा सारे नजर आना स्टार्ट हो चुके हैं कलर। ये देखें ये कलर चेंज हुआ, ऊपर का कलर चेंज हुआ, लेकिन ये वाले कलर ब्लैक के ब्लैक ही रह जाएंगे, इसको हम कलर चेंज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये वाला लेक्चर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पसंद आएगा। अच्छा, इसमें अगर आप करना चाहें बॉडी के अंदर, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ जी कलर, ठीक है, अगर कंफ्यूजिंग हो ना आपको कि शायद बॉडी के अंदर कलर हो जाए जैसे बैकग्राउंड कलर हुआ था, तो ले इस पर का भी कोई असर नहीं है जो हमने ये वाला चेक यूज किया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कोई कन्फ्यूजिंग हो तो आप मुझे कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।